राजस्थान में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच राजस्थान के बीजेपी नेता और चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पत्र लिखकर सरकार पर लगाया पंचायत समितियों के पीड़ी खातों के पैसे अन्य कार्यों में इस्तेमाल करने का आरोप और की है अन्य मांग। राठौड़ ने क्या कहा सचिन पायलट को पत्र में, देखे पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट को पत्र लिखकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों व पंचायत राज संस्थाओं को देय केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग की राशि अति शीघ्र हस्तांतरित किए जाने की मांग की है। पत्र के माध्यम से उपनेता प्रतिपक्ष ने गांवों में सैनिटाइजर छिड़काव, मास्क एवं दस्ताने सहित अन्य व्यय को लेकर भी वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की है। इस दौरान चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखकर न केवल पंचायत समितियों के पीडी खाते की राशि को राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, वहीं गांवों में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। पत्र के माध्यम से बीजेपी नेता ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 30 मार्च 2020 को लिखे गए एक पत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं यथा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, वितरण और पंचायत राज संस्थाओं के कार्मिक व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आवश्यक सुरक्षा सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क व हाथों के दस्तानों की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकतम 50,000 रुपए, विकास अधिकारी को प्रति पंचायती समिति में 1,00,000 रुपए व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को 1,50,000 रुपए व्यय किए जाने को लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रावधान था। बावजूद इसके विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग पंचम के मद में 1 रुपए भी नहीं भेजने से गांवों में दवाइयों के छिड़काव जैसी अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राशि और पंचायत सहायकों को देय मानदेय हेतु 200 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध नहीं है। पत्र में उपनेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा कि पंचायती राज्य विभाग द्वारा जारी 30 मार्च 2020 के निर्देशों के बाद वित्त विभाग द्वारा 10 दिन पश्चात भी अस्वीकार किया जाना इस बात का संकेत है कि दोनों ही विभागों में सामंजस्य का अभाव है और वित्त विभाग जानबूझकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी गतिविधियां बंद करने पर आमाद है। राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि प्रदेश में 45% ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त है और केंद्र राज्य वित्त आयोग की राशि वर्ष 2019-20 में नहीं मिलने से ग्राम पंचायतों के खाते में शेष राशि हजारों में भी अब उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से न तो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में गांवों में आवश्यक कार्य हो पा रहा है और न ही ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वॉरियर्स को मैदान में तो भेजते हैं लेकिन लड़ने के लिए हाथों में हथियार नहीं देते। बीजेपी नेता और चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग पंचम की प्रथम किस्त 1,086 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त 2,036 करोड़ रुपए की राशि पंचायती राज संस्थाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 1 रुपए भी इन्हें नहीं भेजा गया। वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र वित्त आयोग द्वारा प्रदेश में दूसरी किस्त के रूप में 1,840 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को सीधे हस्तांतरित करने की बजाय पंचायती समिति के पीडी खातों में भेजे गए, लेकिन शेष 960 करोड़ रुपए 5 माह के बाद भी ग्राम पंचायतों के खातों में नहीं भेजे गए। वहीं पीड़ी खातों की राशि को राज्य सरकार खुद के काम ले रही है। पत्र के अंत में राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि जब राज्य की 70% जनता गांवों में निवास करती है, ऐसे में उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।